आपके ही अपने YouTube चैनल चोपड़ा एजुकेशन में मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन 50% प्राइवेट सीट जो गवर्नमेंट फीस पर होने हैं उन पर अभी भी सवाल खड़ा हुआ है। क्या ये इस साल के लिए ये सीटें होंगी या नहीं होंगी, पीजी के लिए होंगी या फिर यूजी के लिए होंगी, इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो पीजी का शेड्यूल जारी हुआ है, वो शेड्यूल 1 सितंबर से है। पीजी काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल जारी हुआ है वो 1 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 तक है। 31 अक्टूबर 2022 तक है पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल। और ये जो शेड्यूल है ये इस पर कोई भी कोर्ट केस वगैरह इतना इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो मैं आपको बताता हूं। अभी सोमवार मंडे को सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग थी। सभी स्टूडेंट्स ने, जो पीजी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीजी का एग्जाम दिया था, नीट पीजी का, उन्होंने सभी ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था जिसमें यह कहा गया था कि नीट पीजी की काउंसलिंग पर स्टे दिया जाए, इसको अभी रोका जाए और नीट पीजी की जो क्वेश्चन पेपर है और आंसर की है उसको रिलीज किया जाए। तो ऐसा उन्होंने एक केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और मंडे को उसकी हियरिंग थी। हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कहा है कि नीट पीजी की काउंसलिंग किसी भी कंडीशन में डिले नहीं होगी, उस पर स्टे नहीं दिया जा सकता। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है वो 1 सितंबर से ही स्टार्ट हो जाएगी। जब ये 1 सितंबर से नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तो क्या ये 50% सीट्स जो गवर्नमेंट फीस पर होनी है क्या ये लागू हो चुकी हैं? तो अभी तक इनकी सिचुएशन ये है कि अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने में अभी 20 डेज का ही समय शेष बचा है, लेकिन अभी तक ये जो 50% सीट्स हैं ये गवर्नमेंट फीस पर नहीं हुई है। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 3 फरवरी को एनएमसी ने सभी स्टेट्स को नोटिस दे दिया था, हाल ही में डिम्ड को भी नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक इन पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 2-3 स्टेट्स ने अपने प्राइवेट कॉलेज को बोला है और डिम्ड यूनिवर्सिटी को बोला है, लेकिन उन्होंने कोर्ट में केस दायर कर दिया है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो बात करें हम नीट पीजी के ये रूल लागू होने की, तो ये नीट पीजी में तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि ये रूल लागू हो जाए, लेकिन हो सकता है यूजी में अभी समय है, यूजी के लिए ये रूल लागू हो सकता है। लेकिन एक बात हम यहां ये भी मान के चल रहे हैं कि जो ये रूल था एनएमसी ने सभी को भेजा था, पीएमओ ने भी इसके बारे में अनाउंसमेंट किया था, तो ये यूजी और पीजी दोनों के लिए था। लेकिन अभी संभावना ये बन रही है कि पीजी में ये लागू होना असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि इसमें काउंसलिंग स्टार्ट होने में अभी 20 डेज का ही समय बचा है और किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने या फिर डिम्ड ने अपने फीस रिड्यूस नहीं की है, बल्कि कुछ डिम्ड यूनिवर्सिटी ने तो पुराने हिसाब से ही 100% जो सीट्स हैं उनकी पुराने हिसाब से ही फीस डिक्लेयर कर दी है। तो अभी तक की सिचुएशन ये है। जो सिचुएशन है हमें आपको बताना जरूरी था क्योंकि आपको इस बात से अवगत कराना है कि काउंसलिंग में अभी क्या इवेंट्स हो रहा है, क्या पोजीशन है किस केस की। तो अभी इसके लिए इफेक्ट जो हो रहा है वो एक ही केस इफेक्ट होगा काउंसलिंग के लिए, वो होगा जो 16 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट में हियरिंग है, वही इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी हम मान के ये चल रहे हैं कि पीजी की काउंसलिंग पर तो ये भी इफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है पुराने वाला ही रूल लागू हो जाए। अभी ईडब्ल्यूएस का केस की भी सुनवाई 17 अगस्त को है, लेकिन उसका भी मान के चल रहे हैं कि जो पुराने सिस्टम से चला आ रहा है वैसे ही लागू हो जाए। तो अभी इसके बारे में एक सवाल ही बना है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है कि इस साल से 50% प्राइवेट सीट गवर्नमेंट फीस पर होंगी या नहीं होंगी,
ये अभी तक किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है। जो प्रेजेंट सिचुएशन थी वो मैंने आपको बता दी है कि पीजी में ये लागू होने की फिलहाल कोई संभावना लग नहीं रही है, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा, किसी भी कॉलेज ने ऐसा लागू किया नहीं है। जो 3 फरवरी को नोटिस दिया था स्टेट्स के लिए एनएमसी ने, उसके बाद में ऐसा कोई नोटिस नहीं है, और हो सकता है कि स्टेट्स ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान भी ना दिया हो। तो ये कंडीशन है 50% गवर्नमेंट सीट की, गवर्नमेंट फीस पर जो 50% प्राइवेट सीट होनी थी। जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट्स मिलेंगी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।